किसी ने पूछा है कि हमें अगर पीडीएफ फाइल का लिंक बनाना है डाउनलोड बट पीस पेज या पोस्ट के अंदर तो कैसे बनाते हैं, आखिर क्या तरीका है कोई भी पीडीएफ फाइल को अपलोड करने के बाद उसका डाउनलोड लिंक बनाना, जैसे कि वो पेज भी हो सकता है पोस्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको पोस्ट एंड पेजेस के अंदर पीडीएफ फाइल को अपलोड करके उसका डाउनलोड लिंक बनाना बताएंगे। जैसे कोई भी विजिटर आता है आपकी पोस्ट या पेज से रिलेटेड कोई पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट है उसे आप डाउनलोड कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम यहां पर पेज या पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक पोस्ट है इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहां पर हम ऑल पोस्ट में जाते हैं एंड यहां पर पेजेस है ऑल पेजेस में जाते हैं एंड यहां पर पेजेस भी ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज इस पर क्लिक करके इसे एडिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही पेज खुल चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको पोस्ट के अंदर पहले बताते हैं कैसे हम फाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका डाउनलोड लिंक बनाते हैं। सिंपल सा आपको लोकेशन देख लेना है कि आपको किस एरिया में फाइल का डाउनलोड लिंक बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करके डाउनलोड लिंक कैसे बनाएं, मैं इस टेक्स्ट के नीचे लिंक बनाना चाहता हूँ डाउनलोड, ठीक। तो मैं इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें एक ब्लॉक मिल जाएगा एंड यहाँ पर प्लस का आइकन या कह सकते हैं यहाँ पर भी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिख टाइप करेंगे फाइल। फाइल टाइप करने के बाद यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड एंड मीडिया लाइब्रेरी। अगर आपकी फाइल अपलोड है मीडिया लाइब्रेरी के अंदर तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से आप अपलोड बटन पर क्लिक करके फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो हम फाइल को अपलोड करते हैं एंड यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कीजिए जो भी है आपकी पीडीएफ फाइल, तो हम यहाँ से इसको अपलोड कर देते हैं एंड जो भी आपने फाइल अपलोड की है उसका एक डाउनलोड लिंक जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ एंड यहाँ पर इंटर दे देते हैं, ठीक है। तो ये बन चुका एंड यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए हमारा डाउनलोड लिंक बन चुका। नीचे आते हैं तो देखिए ये पीडीएफ फाइल का ये बन चुका, ठीक। तो यहाँ पर यूज़र डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से देख भी सकता है उसका प्रीव्यू। यहाँ पर क्लिक करेगा कोई भी यूज़र आपका वेबसाइट का तो यहाँ पर डाउनलोड बटन जैसे क्लिक करेगा तो फाइल देखिए डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो इस तरह हम पोस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को और डाउनलोड बना सकते हैं। तो अब पेज की बात आती है तो हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर पेज, अब पेज पर कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपने पोस्ट पर बनाई वैसे ही आप पेज पर बना सकते हैं, ठीक है। और पेज अबाउट का हो सकता है, प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी एक्स वाई जेड आपने पेज तैयार किया है एंड यहाँ पर आप फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और फाइल सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ फाइल एंड ये है, फिर से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे अपलोड एंड मीडिया लाइब्रेरी। तो अपलोड तो आप पहले ही कर चुके हैं तो मीडिया लाइब्रेरी में ऑब्वियसली बात होगी पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे, ये है 3D प्रिंटिंग, तो सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी फाइल डल चुकी है। नेम चेंज करना है तो कीजिए, मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर पेज हम फिर से देखते हैं सभी जो भी हमने पेज बनाया है एंड यहाँ से हम फाइल को सॉरी पेज को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी पीडीएफ फाइल बन चुकी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज के अंदर पीडीएफ फाइल का डाउनलोड लिंक बना सकते हैं अपने यूज़र के लिए और आसानी से कोई भी यूज़र आपकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।